नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएससी का एक न्यू अपडेट आ गया है। आपको अगर पता नहीं है तो आप इस वीडियो शुरू से एक लास्ट तक देख सकती है और दोस्तों पैसा भी कमा सकती है, ठीक है ना। सीएससी का एक न्यू अपडेट किया आया है, इस वीडियो का माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। और दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे क्या हमको क्या कमीशन मिलेगा सही में क्या नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ बोलने के लिए कोशिश करेंगे इस वीडियो का माध्यम से। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले एक अपडेट दिया था सीएससी से। दोस्तों आपको सीएससी नहीं, पीएम किसान का आपका ईकेवाईसी करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे भाई लोग यूट्यूब में वीडियो बना चुका है जो पीएम किसान का ईकेवाईसी करना अनिवार्य हो चुका है। अगर आप अभी तक पीएम किसान का ईकेवाईसी नहीं किया है तो आपका शायद आने वाला पेमेंट जो होता है दोस्तों, आपका जो पेमेंट आपको मिलने वाला है वो आपको पेमेंट शायद नहीं मिले। तो दोस्तों एक क्यों ऐसा नियम लागू किया है और क्यों ऐसा हमको ईकेवाईसी करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम आधार कार्ड भी जमा दिया था जो हमारा एडी ऑफिस होता है उस जगह में किसान मंडी में, तो हमारा क्यों अभी फिर से ईकेवाईसी होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में क्या क्या जो होता है दोस्तों, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको इस वीडियो देखना पड़ेगा और मैं आशा करूंगा इस वीडियो देखने के बाद शायद आपको जो ईकेवाईसी का जो प्रोसेस है शायद आप इस वीडियो देखने के बाद ही कर लेगा। दोस्तों दो सिस्टम है हमारा ईकेवाईसी करने का प्रोसेस। एक है दोस्तों हमारा आधार ओटीपी का माध्यम से और है दोस्तों सीएससी का माध्यम से। दोस्तों जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो खुद से ईकेवाईसी कर सकती है। कैसे करेगा वो भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए कोशिश करेंगे और कैसे आप बायोमेट्रिक्स से ईकेवाईसी करेगा वो भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मेरा नाम आप लोग जान लो, क्योंकि आपको पता नहीं है मेरा नाम क्या है। उसके बाद दोस्तों आप लोग कमेंट में बोलते हैं भाई आपका नाम क्या है। दोस्तों मेरा नाम है अशोक और आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों सीएससी से भी एक न्यू अपडेट आया है, जो जैसे कि आपको पता है दोस्तों जो सीएससी का सीईओ है वो भी दोस्तों डायरेक्ट लाइव प्रूफ बता दिया है आपको कमीशन मिलेगा। दोस्तों इससे पहले हम लोगों को काम दिया था ई श्रम कार्ड करने का, जिसमें दोस्तों हमको 14 से 15 रुपये कमीशन दिया था, लेकिन दोस्तों हमको उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, ठीक है ना। जैसे कि हमको मेहनत यही है जो हमको कस्टमर का पूरा डिटेल्स भरना है, उसके बाद बैंक डिटेल्स भरना है, सब कुछ करने के बाद हमको 15 रुपये कमीशन एक सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी न्यू लॉ अपडेट दिया है 9 तारीख को, जो दोस्तों आपको 15 रुपये कमीशन मिलने वाला है सीएससी वेली को। और दोस्तों जो खुद से करेगा उसको दोस्तों आधार ओटीपी के माध्यम से कर सकती है। तो देखिए दोस्तों आपको अभी कुछ भी करना जरूरत नहीं है, सिर्फ दोस्तों उसका आधार नंबर डालो और कैप्चर फिल करो और दोस्तों सर्च बार में क्लिक करो, बस उसका डिटेल्स आ जाएगा। बाद में आप उसको तो बायोमेट्रिक स्कैन कर लो, बस उसको केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। आप दोस्तों इसको क्यों लागू किया, बहुत सारे भाई लोग अभी ये भी बोल सकते हैं ये क्यों लागू किया, जो ई केवाईसी हमको करना जरूरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि अभी आपको दोस्तों सीएससी में हम मान के चलो हम इस जगह में आ चुका है, दोस्तों हम लिखेंगे पीएम किसान जब हम लिखेंगे दोस्तों तो इस जगह में साफ साफ आप देख सकती है आपका सामने भी शो हो जाएगा पीएम किसान का। दोस्तों आप देख सकते हैं इस जगह में शो हो रहा है ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्ट्रेशन फार्मर। आप देख सकते हो पूरा इसमें जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है देखो फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले बोलो तो दो एक साल पहले क्या हुआ था, एक व्यक्ति का नाम से, मैं खुद दोस्तों प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करेंगे, मैं खुद देखा हूँ वो बंदा को पैसा मिला, ठीक है ना। तो वो कौन सा बोलो तो एक वीडियो आया था मेरा पास सामने, जो वो बोल रहा था जो एक व्यक्ति के नाम से दो पैसा मिल गया है, ये सब मैं सुना। लेकिन दोस्तों क्या है सही है कि पता नहीं है, लेकिन मैं एक बार देखा था, अभी वो वीडियो मेरे को याद नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश किया करने वाला था। लेकिन दोस्तों इसको जो ये जो ई केवाईसी प्रोसेस चालू किया किस लिए किया, ठीक है ना। अभी फ्रेंड्स इसको करने का क्या वजह है, जो हमारा देश का जो ये है मंत्री है उसको तो जरूर एक ये होगा ना जो ये करने का क्या चाल है। तो दोस्तों ये करने के लिए आपको क्या इसका ये जो हमको करने के लिए बोल रहा है, तो क्या हमारा ये क्या पर साल में हमको पैसा देना पड़ेगा, क्या हमको इसका बदला हमका कुछ अपडेट नया बोलो तो कमीशन मिलेगा, ऐसा है कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों सब भी इस वीडियो में बताने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों हम दो तरफ से कर सकती है, देख पाओ दोस्तों जब ई केवाईसी बोल के एक ऑप्शन है, तो जब हम इसमें क्लिक करेंगे, मान के चलो हम इस जगह ई केवाईसी में क्लिक करेंगे, तो दोस्तों इस जगह आप देख सकती है पहले आधार नंबर डालो, कैप्चा डालो और सर्च बार में क्लिक करो, बस आपका हो जाएगा। लेकिन अभी हम आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे इसको क्यों लागू किया है और आपको क्यों करना पड़ेगा, जो न्यू बोलो तो फार्मर रजिस्ट्रेशन क्या है उसको क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। जो दोस्तों अभी अभी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन में पीएम किसान का जो सम्मान निधि का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आप मान के चलो अभी तक आपको एक बार पेमेंट भी नहीं मिला है, तो आपको लिंक करना जरूरत नहीं है,
अगर जिसको पेमेंट मिल चुका है उसको फिर से दोबारा आधार लिंक करना पड़ेगा। दोस्तों एक क्यों किया है, क्योंकि अभी मान के चलो इस महीना में आप जमीन का पैसा मिला है, अगला साल मान के चलो आप डेथ हो गया, तो क्या होगा गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा और वो पैसा क्या होगा आपका अकाउंट में आता रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों हर साल में आपको फिंगर लगाना है और आपको KYC कर लेना है, ठीक है ना। ई KYC करना है क्योंकि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए जो आप सही है, क्योंकि आने वाला दिन में शायद मान के चलो अभी भी छोटा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं छोटा हूँ मान के चलो, आने वाला दिन में मैं अभी बोलूँ तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, तो टैक्स देने वाला आदमी को दोस्तों और PM किसान से पैसा नहीं मिलेगा शायद, ये भी डिसीजन ले रहे का बोलूँ तो ये जो सिस्टम है इसका हिसाब से शायद हो सकती है, मेरे को जितना जानकारी है मैं आप लोग बता रहा हूँ। अभी दोस्तों जिसका अभी टैक्स मान के चलो वो PM किसान रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसका फाइनल बोलो तो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, तो जिसको जो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को उसका पेमेंट शायद नहीं आएगा। तो दोस्तों CSE से क्यों मैं आप लोग बता रहा हूँ, अगर बहुत सारा भाई लोगों को आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो वो दोस्तों घर बैठे तो नहीं कर सकती है, उसके लिए दोस्तों CSE में ये जो लॉन्च कर दिया है और CSE वैल्यू को भी कुछ काम करने का और कमाने का मौका मिल गया है। एक KYC करने पर आपको दोस्तों CSE से आपको 15 रुपये कमीशन देगा और दोस्तों वो पैसा भी आपका किस में आएगा, DigiPay वॉलेट में आएगा। दोस्तों आपको पता है इस तरह का पैसा हमारा DigiPay वॉलेट में आया था। अभी दोस्तों रिसेंटली दोस्तों ये लॉन्च किया है 9 तारीख में, जो पार KYC में आपको 15 रुपये कमीशन देगा CSE ने, ठीक है ना। तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा भाई लोग CSE वैली है और बहुत सारा भाई लोग बेकार है, तो अभी भी आपका चांस है दोस्तों, फटाक से जाके CSE रजिस्ट्रेशन कर लो और आप कमाने का मौका ढूंढ लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग बेकार है, पढ़ाई लिखा किया तो क्या, हमको कुछ भी नौकरी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट का, तो हमको दोस्तों एक गवर्नमेंट से हमको एक स्कीम लेना है, जो हम पढ़ाई लिखा बोलो तो किया है लेकिन हमको गवर्नमेंट से एक स्कीम लेना है, क्योंकि दोस्तों अभी नौकरी करने के लिए जाएगा गवर्नमेंट का तो आपको मिनिमम आपको 2 से 4 लाख रुपये आपका बोलो तो देना ही चला जाएगा, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है, मैं खुद गया था तो ऐसा हुआ है, 2 लाख 1.5 लाख रुपये आपको पहले एडवांस देना है किसी को, दलाल को, उसके बाद तुम्हारा काम होगा, ठीक है ना। तो आप दोस्तों CSE रजिस्ट्रेशन करो, CSE से आप काम करो, पैसा कमा करो, एंजॉय करो। मैं खुश हूँ क्योंकि अभी PM किसान का फाइनल आ चुका है, लेकिन अभी भी KYC बोलो तो इसमें बता रहा है बोलो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सर्वर में काम हो रहा है, इससे पहले हम लोग इस तरह में काम करने के लिए दिया था जो CSE कॉमन सर्विस सेंटर को, तो मैं बहुत खुश हूँ CSE का जो CEO है दिनेश तेगी सर है, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि हम लोग बेकार आदमी हैं, एक दुकान खोल के रखा है तो हमारा पास कोई काम मान के चलो दे रहा है, तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ क्योंकि दिनेश तेगी सर ने हम लोगों के लिए बहुत आगे जाने के लिए बोल रहे हैं, भाई तुम लोग आगे जाओ, तो मैं खुश हूँ और आपको भी बोलने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों मेरा जितना भी मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा जितना भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको फ्रेंड्स में आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया CSE के लिए तो प्लीज़ आप CSE रजिस्ट्रेशन कर लो। आप लोग चाहे एक मेरे को बोल सकते हैं वीडियो में जो भाई आप मेरे लिए एक CSE रजिस्ट्रेशन करके दो, तो मैं मेरे साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है टेलीग्राम में, तो आपका काम मैं कर दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो इतना है, मैं खुश हूँ क्योंकि CSE वैली को फिर से न्यू अपडेट दे चुका है, जो आधार KYC करने पर आपको कमीशन मिलेगा। मैं एक चैनल का वीडियो देखा हूँ, वो मैं उसका वीडियो मैं कभी कभी देखता हूँ और उसी का वीडियो देखने के बाद मेरा काम हो जाता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे कुछ नया अपडेट लेके, जैसे कि हमारा इस यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको इसी तरह कंटेंट मिलते रहेगा, जेन्युइन तरीक्स, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कुछ नया अपडेट लेके, टाटा बाय।